कैसा लगा तुम्हें अपना बेडरूम? हाँ बहुत अच्छा। तुम्हें पता है हमारे घर में कोई भी चीज कभी भी कलर स्कीम के मुताबिक नहीं आई, या तो बजट से आए या तो कमिटी के हिसाब से। मैं तो ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि इतना हसीन कमरा मेरा होगा, क्योंकि मैं मेहनत से सच होने वाले ख्वाबों में यकीन रखती हूँ। क्या बात है मारिया, तुम खुश नहीं हो? सैफ, तुम्हें हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तो क्या करता मैं? उस इंसान को चचा जान से और तुमसे बदतमीजी करने देता, अब ये तो नहीं कर सकता था मैं। तुम्हें मेरा बनाया हुआ मकरामा याद है? उसमें और बाकी सारे तहाइफ में जो फर्क था ना, वही फर्क है तुम्हारी और मेरी हैसियत में। सैफ ताया अबू ने हमेशा से मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एहसान है। अपने वालदेन को ये सब कुछ मैं भी देना चाहती थी, एक अच्छा घर और पुरसुकून जिंदगी, लेकिन खुद से। तो अब क्या देर हो गई है मारिया? यार अभी भी देर थोड़ी हुई है, तुम्हारे पास वक्त है, तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, और बाद में चचा जान चची जान की हर चीज को तुमने ही तो देखना है। देखो मारिया, परिंदों के बच्चे अपने घोंसले से निकल करके नया घोंसला नहीं बनाते, क्या वो इस तरह हिम्मत हार जाते हैं? यही तो फर्क है हमें और परिंदों में। उनको उड़ने के लिए आसमान मिला होता है और हमें अपना आसमान खोजना पड़ता है। मैं सोचती हूँ बिल्कुल ठीक ही कहती थी मैं माँ, कि मैंने हमेशा तुम्हें और ताहिर अबू को हमदर्दी के आड़े अपने फेवर्स के लिए यूज किया है, और मैं चाहूं भी तो उसको समझा नहीं सकती। वो कभी भी नहीं मानेगी कि मैं चाहती ही नहीं थी। मारिया, तुम्हें उमैमा को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। पापा ने कोई एहसान थोड़ी किया, चचा जान की अमानत थी। दादा जान के घर का एक हिस्सा चचा जान ने पापा को कारोबार में मदद करने के लिए दे दिया था। क्या? हाँ बाबा, जो कुछ भी है ना, वो चचा जान की आला जरफी की बदौलत है, तो इसलिए ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है मैडम, समझ गई आप? मारिया, खुशी के आंसू है ना ये? तुम बहुत अच्छे हो सैफ। हाँ वो तो मैं हूं हमेशा से। थैंक यू सो मच, बस करो अब ये फॉर्मेलिटी।